फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। और इसमें हम देखने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी, कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। तो जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी में को हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर में इसी में क्या किया जाए कि स्टैंडर्ड ऐड किया कर दिया जाए कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, तो उसको डेल्टा जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल्फ। ये गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अगर इसके डेरिवेशन की बात करें कि इसका डेरिवेशन कैसे हो रहा है, तो जैसे क्लास 11 की फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। वर्क को बाहर ले आए, वर्क क्यू इंटू वी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्क को हम किससे रिप्रेजेंट, चूँकि ये गिब्स फ्री एनर्जी की बात हो रही है, तो वर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट शेल। माइनस एन एफ का मतलब कि यहाँ चार्ज की बात हो रही है ना। चार्ज कहाँ से आता है, फेराडे से, ठीक है। तो क्यू जो होता है वो चार्ज होता है, वो चार्ज कहाँ से आता है, फेराडे। मतलब एन क्या हो गया, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एफ क्या हो गया, फेराडे, ठीक। और वी की अगर बात करें तो वो अपना ई नॉट सेल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया। अगर ये देखें कि ये माइनस क्यों लगा हुआ है, तो माइनस साइन का मेन पर्पज़ क्या होता है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। और अगर इसके आगे देखें तो जैसे इसको और किस तरीके से हम लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ 2.303 RT अपॉन एन एफ, ये हो जाएगा RT अपॉन एन एफ log KC। एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 RT log KC, RT log KC। ये आ गया अपना गिब्स फ्री एनर्जी का मेन फॉर्मूला।